हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब खबर ये आ रही है कि चार्टर्ड प्लेन से बकायदा विधायकों को दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली लाए जाएंगे कौन? बीजेपी के विधायक। नीरज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं, उनके पास पूरी जानकारी है। नीरज पांडे बताइए, अब ये फैसला हो गया है, लेकिन कब लाए जाएंगे? रूबिका, भारतीय जनता पार्टी भी अपने खेमे में सेंध न लगे इसके लिए तैयारी कर रही है। और ये आप, मैं दिखा सकता हूँ कि ये दो बसें लगी हुई हैं, ये लग्जरी बसें। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो भोपाल का कार्यालय है, ठीक उसके पीछे ये दो बसें लगाई गई हैं। और इन दोनों बसों में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो बारी बारी से आकर बैठना शुरू हो गए हैं। दोनों बसों में दो दो विधायक आ गए हैं, धीरे धीरे सारे विधायक आ रहे हैं। और इन्हीं बसों से यहाँ से वो एयरपोर्ट जाएंगे, और माना जा रहा है वहां से चार्टर्ड प्लेन द्वारा एयरपोर्ट से सीधा गुड़गांव जाने की तैयारी में है। यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से गुड़गांव जा सकते हैं। गुड़गांव में भी वहाँ पे रोकने की प्लानिंग है कि चुनाव, राज्यसभा के इलेक्शन तक उनको वहीं रोका जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं कांग्रेस, उसमें सेंध ना लगा सके, कोई विधायक ना तोड़ सके, कोई कम्युनिकेशन ना हो आपस में। नहीं तो वही बात हो कि नीरज, चलने क्या कोशिश हो सकती है कि इन विधायकों से बात की जाए जो बसों में बैठ के लौटे? ये बिल्कुल, मैं प्रयास करता हूं कुछ विधायकों से बात करने का, और कोशिश करता हूं कि वो जो है उनसे बात करता हूं, बात करने की कोशिश भी करता हूं। सर एक मिनट, मैं ऊपर चढ़ने की भी कोशिश कर रहा हूं उस बस में। एक मिनट बस हो गया प्लीज भाई साहब, प्लीज सुनिए तो। एक मिनट भाई साहब, मेरे को नाराज होंगे भाई साहब, एक मिनट अरे बड़ा भैया, एक मिनट सर, प्लीज यार प्लीज। ये वो बस है, ये जो ये वही बस इसमें जो है कुछ लोग शामिल। आइए भाई साहब अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बाहर जा रहे हैं आप। आइए भाई, ये विधायक लगातार बस में सवार हो रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव जीतना है, इसलिए जो है इस बस में जा रहे हैं। और बारी बारी से ये लोग जो है इस बस में बैठ रहे हैं, और यहाँ से ये सीधा सब लोग एयरपोर्ट जाएंगे। और एयरपोर्ट, सिसोदिया जी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? देखिए, राज्यसभा का चुनाव हमारे लिए चुनौती है, और उसको लेकर के सारी रणनीति तो पार्टी नेतृत्व ने आपको क्या कहा है? पार्टी ने कहा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जाना है। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कहाँ जाएंगे, कुछ बोला गया है? ये सिसोदिया जी हैं जो पीछे वाली बस में सवार होने जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ और विधायक भी बैठे हुए हैं, कोशिश करते हैं कुछ आप बस के अंदर भी ले चलते हैं। रूबिका, ये बस है, ये तीसरी बस है मैं जहाँ पे आप देख सकती हैं, यहाँ पे सिसोदिया जी बैठे हैं, कुछ और लोग अभी आके बैठे हैं खाली है। सिसोदिया जी, क्या कहा गया है पार्टी की तरफ से? देखिए, पार्टी ने एक व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के अंतर्गत हम पार्टी के निर्देश पर जहां पार्टी ने तय किया उसके आधार पर हम लोग कुछ बताए कहां ले जाएंगे, गुड़गांव ले जाएंगे, अभी गाड़ी में बैठे हैं, यहां पे यहां से गाड़ी में जा रहे हैं। कहां जाना है से जाके मुझे पता नहीं आगे क्या व्यवस्था, हमको अगर कहा आप लोग जाके गाड़ी में बैठिए, हम लोग गाड़ी में। विधायकों को कहा गया है कि जाके सीधे गाड़ी में बैठिए, इनको ये व्यवस्था नहीं मालूम कि आगे की क्या व्यवस्था होगी। रूबिका, और ये तीन बसें लगाई गई इसी तरह की लग्जरी बसें, आपने देखा हमें एक विधायक, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं कि बसों में कैसे लोग बैठ रहे हैं, विधायक बैठ रहे हैं, और यहां से सीधा जा रहे हैं एयरपोर्ट जाएंगे, वहां से चार्टर्ड प्लेन से होते हुए सब लोग जाएंगे। ये देखिए, ये विधायक हैं, ये भी आ रहे हैं। सर आप विधायक जी, वो घर जाना है भैया। विधायक जी कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे भैया, रात के कहाँ जाए घर? एक साथ अचानक सारे विधायक जा रहे हैं घर, अपनी गाड़ी छोड़ के बसों से, अपनी गाड़ी छोड़ के बसों से जा रहे हैं, कुछ विशेष कारण? आप देखिए, एक विधायक हैं, ये भी सवार हो रहे हैं, मैं कोशिश करते हैं चढ़ने की। बस भाई साहब प्लीज थैंक यू। आपको दिखाते हैं, ये पहली बस है यहाँ पे,
कुछ विधायक ऑलरेडी चढ़े हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप सर आप कहाँ कहा गया है, क्या कहा गया है आप लोगों से? हम लोगों के विधायक दल की बैठक में तय हुआ। क्षेत्र कौन सा है? मेरा क्षेत्र निवाड़ी है, जो नया जिला 92 जिला बना, मैं वहाँ से विधायक हूँ। मेरा नाम अनिल जैन है। अनिल जैन जी, आपको कहाँ के लिए कहा गया, क्या निर्देश दिया गया? हम लोगों ने विधायक दल ने तय किया कि विधायक दल ने तय किया कि सारे लोग मिलके होली का एक होली मनाने का एक उत्सव के रूप में हम लोग सब इकट्ठे कहीं जाने। होली मनाने उत्सव भोपाल से बाहर? हाँ, भोपाल से बाहर। हम लोगों को क्या होता है कि विधायकों का एक साथ मिलना जुलना नहीं हो पाता, तो पार्टी ने तय किया कि सारे विधायक एक साथ रह के होली का उत्सव भी मनाएंगे और सबसे मिलना जुलना हो जाएगा, बैठ के हो जाएंगे। किस राज्य में जा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। गुड़गांव ले जाएंगे या बेंगलुरु? मुझे यह पता नहीं, मुझसे तो कहा गया कि बस में पहुंचे, वहां के बाद जो प्रदेश नेतृत्व होगा वो तय करेगा कहां जाना है। प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, आगे की व्यवस्था ये लोग तय होगी। अभी फिलहाल कहा गया है कि आप लोग चलिए, बस में बैठिए, बस में बैठने के बाद आपसे बताया जाएगा। कुछ नहीं बताया गया है, विधायकों से सिर्फ इतनी कहा गया है। सर आपसे भी क्या कहा गया? कुछ पता नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि पता ही नहीं है। पूरे की भारतीय जनता पार्टी जिस दर्द से कांग्रेस गुजर रही है, कहीं वो दर्द भारतीय जनता पार्टी को भी ना हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सतर्क है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राज्यसभा के चुनाव संपन्न होने तक वो अपने विधायकों को किसी न किसी सुरक्षित जगह में पहुंचा दें, ताकि ना तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में सेंध लगाई जा सके, ना ही विधायकों को तोड़ा जा सके, ना उनसे कम्युनिकेशन किया जा सके, ताकि वो राज्यसभा सीटों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है वो पूरी हो सके और उनके जो कैंडिडेट हैं वो जीत सके। क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि आप दूसरी की पार्टियों के विधायकों को साधने में लग जाते हैं और अपना ही घर बिखर जाता है और अपने ही घर के लोग नीरज ये भी देखिए अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को मालूम। हाँ, ये नीरज देखिए, आपने पहले विधायक से बात की तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हमें किसी भी कीमत पर राज्यसभा का चुनाव जीतना है, वो जो दो सीटें जिन पर हम दावेदारी ठोकेंगे वो जीतनी है। फिर दूसरे विधायक जो कि अनिल जैन है, वो ये कह रहे हैं हम तो होली मिलन के लिए जा रहे हैं, मिलना नहीं हो पाता है। तीसरे विधायक से जब आपने पूछा तो उन्होंने कहा साहब हमें तो कुछ नहीं पता है, हमें मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। तो ये कहा गया है कि किसी को कुछ नहीं बताना है, सब अपनी अपनी तरफ से बहाने बना रहे हैं, लेकिन असली खबर विकास भदौरिया के पास मौजूद है। विकास, ये 106 विधायक कहां जा रहे हैं? ये देखिए, ये 106 विधायक हैं जो अब दिल्ली आ रहे हैं। 10:45 की चार्टर फ्लाइट है, स्पाइस कंपनी की चार्टर फ्लाइट को हायर किया गया है इन विधायकों को सीधे दिल्ली लाने के लिए। 107 विधायक हैं बीजेपी के, उसमें से एक विधायक उनके घर में कुछ कमी है इस वजह से वे नहीं आ पा रहे हैं। 106 विधायक दिल्ली 10:45 की फ्लाइट से पहुंचेंगे और तकरीबन एक घंटे बाद यानी कि 11:45 और 12 बजे के आसपास दिल्ली लैंड करेंगे। उसके बाद इन विधायकों को दिल्ली या गुड़गांव के दो होटलों में ठहराया जाएगा, उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। ये सभी विधायकों को एकजुट रखने के लिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से भी सेंधमारी की कोशिश हो रही है, उस सेंधमारी से बचाने के लिए इन विधायकों को इकट्ठा रखा जाएगा दिल्ली या गुड़गांव के किसी होटल में। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।